मेरे चैनल टेस्टी फूड विद पूजा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बेसन की पपड़ियाँ बनाकर दिखाती हूँ। इसके लिए मैंने 200 ग्राम बेसन लिया है, इसे मैंने छान लिया है और इसमें मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड किया है। वन टी जो स्पून होती है उस स्पून से अजवाइन ऐड की है, एक चम्मच अजवाइन। टेस्ट के अकॉर्डिंग रेड चिल्ली पाउडर ऐड किया है, थोड़ा सा जीरा ऐड कर देते हैं और दो पिंच हींग इसमें डाल देते हैं। बेसन में हींग डालने से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और फिर इसमें मैंने सूखा हरा धनिया, इसे मैंने क्रश करके डाल दिया है। मैंने धनिया की हरी पत्तियों को सुखा लिया था, मैंने वही डाली है। और फिर जो अपने घर में सब्जी परोसने वाले चम्मच होते हैं ना, उन चम्मच से एक बड़ी चम्मच इसमें मैंने सरसों का ऑयल डाल दिया है और मिक्स करके हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से गोल लेते हैं। ध्यान रहे बेसन है तो बेसन में हमें थोड़ा थोड़ा पानी करके ही गूंदना है। यदि हम एक साथ ज़्यादा पानी डाल देंगे तो जो हमारा बेसन है वो बहुत ही जल्दी गीला हो जाता है, उसे बेसन बहुत कम ही पानी से मर भी जाता है, इसीलिए हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही इसे गूंदना है। और फिर इसे हम अच्छे से गूंद करके थोड़ा सा सरसों का तेल लगा के रख लेते हैं। फिर हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना करके इन्हें गोल गोल बना करके रख देंगे। इस तरह से हम सारी पपड़ियों को छोटी छोटी लोई लेकर और उन्हें गोल बेल लेते हैं। बेसन में हम आटे का भी थोड़ा सा परथन लगा लेते हैं जिससे कि जो बेसन है वो हमारे चकली पे चिपके ना। और इसी तरह से हम सारी छोटी छोटी लोइयाँ ले लेते हैं, देखिए इस तरह से, और इन्हें गोल करके थोड़ी देर के लिए हम पपड़ियों को सूखने के लिए रख देते हैं। 1 से 2 घंटे हवा में रख देते हैं। फिर हम एक कढ़ाई को गर्म करेंगे और उसमें हम इन पपड़ियों को डालकर चिमटे की मदद से अलट पलट करके अच्छे से सेक लेते हैं। इसलिए हमें इसे पलट करके सेक लेना है और बहुत ही जल्दी 1 मिनट में इनको ऐसा लगता है तेल में इनको डालो और बस 2 मिनट के अंदर पलट के इन्हें निकाल लो। और सेक कर तैयार है हमारी फटाफट से बन जाने वाली बेसन की खस्ता पपड़िया। इन्हें आप बहुत ही जल्दी घर पर बना सकते हैं और होली का मौसम है, सभी के घर पर ये बनाई जाती है, तो आप इस तरह से जरूर बना के देखें। देखिए धनिया डालने से ये पपड़ी कितनी अच्छी और खुशखुशी बनी हुई है। आप इस तरह से पपड़ी बनाकर जरूर ट्राई करें। धन्यवाद।